हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू मैनेजर, कैबिन मैनेजर, एक बेसिकली फ्लाइंग से जुड़ी हुई लड़की हूं जो बहुत ट्रैवल करती हूं, बहुत ज्यादा सालों से ट्रैवल कर रही हूं। और ट्रैवल के बारे में जो मेरी नॉलेज है वो इस चैनल के ऊपर आप सबके साथ कभी कभार शेयर करती हूं। उसके अलावा ट्रैवल वीडियोस बनाती हूं, काफी सारे वीडियोस बनाती हूं। अगर आप मेरे चैनल को नहीं जानते तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं वहां पे। आज मैं आप सबके सामने क्यों आई हूं, बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में हर आए दिन मुझे आ रहा था कि फ्लाइट में क्या ये एक चीज हम लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं, उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस वीडियो को कवर कर दिया जाए, जबकि इससे पहले मैं कई वीडियोस में थोड़ा बहुत उसके बारे में बात की है, लेकिन स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, उसका रीजन ये होता है कभी कभी बीच में कोई चीज दिमाग से निकल जाती है जो इंसान को बाद में याद आती है, तो मैं टुवर्ड्स द एंड उसको कवर कर देती हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो है फ्लाइट के ऊपर, जब अगर आप कोई भी पावर बैंक लेकर जा रहे हैं, जिसे हम यूजली यूज करते हैं अपना फोन चार्ज करने के लिए। कई बार हमारे पास फोन ज्यादा चार्ज नहीं होता, हम पावर बैंक अपने साथ लेकर जाते हैं, तो उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैं उसको जमा कराने वाला जो बैगेज, जिसको चेक इन बैगेज बोला जाता है, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, जो सामान हमसे वहां पे लेकर जमा करा के आपको एक टैग दे दिया जाता है, उसको हम चेक इन बैगेज बोलते हैं, और हैंड लगेज या हैंड बैगेज हम उसको बोलते हैं जो प्लेन के अंदर हमारे हाथ में सामान जाता है, उसे हम हैंड बैगेज या हैंड लगेज बोलते हैं। तो हैंड लगेज में हम इसको लेके जा सकते हैं या हम इसको चेक इन करा सकते हैं, जो बैगेज जमा होता है, तो उसके रिलेटेड आप हमें थोड़ा सा समझाएं। तो आज मैं आप सबके सामने आई हूं बिल्कुल सादी भाषा में आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा आराम आराम से समझाऊंगी ताकि आपको पूरी चीज मैं जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले ये बता दूं, जो ये पावर बैंक होते हैं, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है आप में मेरे में, उनको रोड के ऊपर वैसे हम अपने हाथ में लेके आराम से चल रहे होते हैं, लेकिन आपको इतना पता होगा कि वो भी जब आप उसको प्लग इन करके अपना फोन चार्ज कर रहे होते हैं, तो पावर बैंक भी थोड़े से गर्म होने शुरू हो जाते हैं अगर हम उसको बहुत टाइम तक ऑन रखते हैं। तो कई बार हम उसको चार्ज भी घर पे जब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर होती है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरीज बहुत जल्दी फायर कैच करने के लिए नोन है, और उस फायर को बुझाना भी थोड़ा नॉर्मल फायर से मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो पावर बैंक जो भी पैसेंजर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स हैं एविएशन के, एयरक्राफ्ट्स के, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आप अपने हाथ वाले बैगेज में, जो बैगेज आपके पास रहेगा जहाज के अंदर, उसमें आप इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन आप इस बैटरी को या पावर बैंक को अपने चेक इन करने वाले, जमा कराने वाले बैगेज में आपको नहीं डालना चाहिए। उसका सिंपल रीजन मैंने आपको समझा दिया। कभी कभी क्या होता है, लिथियम बैटरी के ऊपर जो बटन होते हैं, अगर वो प्रेस हो जाए अपने आप, क्योंकि बैगेज में सामान हिलता है नीचे, चेक इन बैगेज, तो वो बैटरी का जो कोई प्लग है ऑन हो सकता है, या वैसे ही अंदर क्या पता तापमान नीचे बढ़ जाए किसी रीजन से, कोई तकनीकी खराबी से, तो लिथियम बैटरी जो होती है, जो पावर बैंक है, वो फायर पकड़ सकता है, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, जहाज में आग लग सकती है, पॉसिबिलिटी है, नॉट नेसेसरी कि ऐसा होगा ही होगा। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कोई भी लिथियम बैटरी वाली चीजें जो होती हैं उनको चेक इन बैगेज में डालने से मना किया हुआ है। इसी वजह से चेक इन बैगेज में आपकी लिथियम बैटरी वाला कोई भी सामान बेसिकली नहीं होना चाहिए, आपकी जो पावर बैंक है वो आपके हाथ वाले बैगेज में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे हाथ वाले बैगेज में होने में भी वो आग पकड़ सकता है, लेकिन कम से कम कैबिन में है, अगर कुछ ऐसा होगा तो धुआं उठेगा, दिखेगा कुछ होगा, तो उसके ऊपर फिर भी एक्शन लिया जा सकता है, या आप उसको यूज करेंगे तो वो आपके पास रहेगा तो आप उसको देख सकते हैं, तो अंदर जब इसको जमा करा दिया जाएगा तो हम एटलीस्ट उसको देख नहीं सकते, जिसकी वजह से इसके ऊपर मनाही है। लेकिन एक और रूल है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, हैंड लगेज में ये अलाउड है, चेक इन लगेज में अलाउड नहीं है, और इस पे लिखा हुआ है कि 100 WH पावर, अगर आप कोई भी पावर बैंक खरीदे तो आप उस पे पढ़ लें 100 WH, उसकी पावर से ऊपर का वो नहीं होना चाहिए। WH का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूं, 100 वॉट आवर्स उसको बोला जाता है। इससे ऊपर की कैपेसिटी वाला आपने जो पावर बैंक है वो नहीं लेना है। अगर उसके ऊपर वाला पावर बैंक आप ले जाना चाहते हैं फॉर सम रीजंस, तो उसकी आपको प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है एयरलाइन वालों से, तो वो अप्रूवल के लिए आपको कंपनी को ईमेल करनी पड़ेगी, तो बेसिकली वो उसको डेंजरस गुड्स
करके एक कैटेगरी होती है, उसमें वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 160 WH से ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको हम आपके लिए सिंपल बना देते हैं कि अगर आपको अपनी नॉर्मल यूज के लिए पावर बैंक लेके जाना है तो 100 WH से ऊपर का मत खरीदिए, क्योंकि उससे ऊपर की पावर वाला जो बैंक है दे बिलीव के जल्दी गर्म होने के चांसेस हैं या फटने के चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उससे नीचे वाला ही अलाउड है। तो ये चीज आप इसको भूल जाएं कि चेक इन बैगेज में ना डालें। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मुझे कहें कि मैंने तो चेक इन बैगेज में डाला और किसी को कैसे पता चलेगा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ को लेके इतनी स्ट्रिक्ट हैं जब वो आपसे आपका बैगेज लेती हैं, क्योंकि आजकल आपका बैगेज लेने के बाद इमीडिएटली आपके सामने उसकी स्क्रीन नहीं होता, उसको चेक नहीं किया जाता। और अगर मान लीजिए पावर बैंक आपने उसके अंदर छोड़ दिया है, अगर किसी भी पॉइंट पे उन्होंने स्क्रीनिंग करी आपकी बैगेज की, बाद में जब आप उनके सामने नहीं खड़े हैं और उनको लगेगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ नहीं जानी चाहिए, उनको नजर आ जाएगा मान लीजिए कोई एक्सप्लोजिव है या मान लीजिए पावर बैंक है, तो वो आपका बैगेज जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में कई बार लोगों को जब उनका बैगेज डेस्टिनेशन पे मिलता नहीं है, उसके कई बार रीजंस ये भी होते हैं कि उस बैग के अंदर कोई ऐसी चीज थी जो उनके साथ नहीं जानी चाहिए थी और जो वहां की सिक्योरिटी को लगा कि इस बैगेज के अंदर कुछ ऐसी चीज है। उस केस में अगर आप इसके ऊपर ज्यादा पढ़ें तो आपका बैगेज खोल के चेक करना भी, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो आपका बैगेज चेक कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आपका बैगेज चेक किया जाएगा और उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो फ्लाइट के लिए सेफ नहीं है, तो आपका बैगेज रिमूव कर दिया जाएगा, उस फ्लाइट पे नहीं जाएगा। तो नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हो रहा है? आपका। तो इसलिए थोड़ी सी ये जानकारी मैंने डिटेल में इसलिए दी है, मैं सिर्फ ये नहीं बताती लोगों को कि ये चीज ना करें, मैं ये भी बताना चाहती हूं कि ये चीज ना करें, क्योंकि इसका ये आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है, कल को कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना आपके ऊपर आएगा, नहीं तो आपका बैगेज ही आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो था लेकिन नॉलेज वाला था। मैं आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अब खुशी हो गई होगी कि मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो मेरी बेस्ट नॉलेज है, जहां पे मैं काम करती हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो मुझे लिख के भेजना, आपके डाउट्स को मत भूलिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूं, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूं, बिजी रहती हूं, जो कमेंट्स होते हैं मैं उनके नोट्स बना लेती हूं और आने वाले दिनों में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाने की जरूर कोशिश करती हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए और कौन से वीडियोस में आप इंटरेस्टेड है, मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। बाय बाय।